हेलो दोस्तों, मैं ऊपर छत पे जा रही हूँ। सुबह का समय है। देखिए, मैं कूड़ा भी लेके जा रही हूँ। जितना भी कूड़ा होता है मैं नीचे अपना एक जगह रख देती हूँ। जब ऊपर जाती हूँ तो पौधों की मिट्टी में डालती रहती हूँ, उसी से मेरी मिट्टी भी बढ़ जाती है और पोषण भी मिट्टी में हो जाता है। मैं बाहर नहीं फेंकती हूँ। घर का जो वेस्ट होता है जितना भी चिकले, देखिए मेरी छत पर कितने प्यारे प्यारे फूल खिले हैं, वर्मीना के हर कलर में, कितने प्यारे लग रहे हैं। और आज मंडे का दिन है, इसके वहाँ की थोड़ी उसमें होगी, बाकी नहीं लगाई होगी थोड़ी बहुत। क्या करें, और डालें मिट्टी में? इसमें सही तो है, बड़ा हो जाएगा तो दूसरे गमले में शिफ्ट कर देंगे इसको। जितना बड़ा पौधा होता है उतना ही बड़ा गमला होना चाहिए। आज हम लोगों को जाना है अपनी बेटी के ससुराल होली मिलने, इसलिए मैंने फटाफट अपना पूरा काम निपटा लिया है और घर का सारा काम हो गया है। मैं नहा भी चुकी हूँ, सभी लोग नहा चुके हैं। मैं नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। मैंने आज उपमा बनाया है नाश्ते में। मैं सभी को नाश्ता करा दूँगी, फिर हम सभी लोग तैयार होकर बेटी की ससुराल के लिए निकलेंगे। मेरी मम्मी भी मेरे साथ जाएंगी। बहुत दिनों से वो बुला भी रही थी दीदी, और टाइम ही नहीं मिल पाता था, लेकिन होली के बहाने मैंने सोचा हो आते हैं उनके वहाँ। बहुत बुलाती हैं, मेरा जाना भी नहीं हो पाता है। मेरा उपमा भी तैयार हो गया है। उपमा बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और फटाफट से तैयार भी आता है। मेरे वहाँ उपमा सबको पसंद है, बच्चे भी मन से खा लेते हैं। लीजिए, आप लोग भी खा लीजिए गरम गरम उपमा चाय के साथ। मेरा नाश्ता बिल्कुल रेडी है। उपमा वगैरह खाने के बाद मैंने थोड़ा सा काम निपटाया था अपने घर का, क्योंकि कुछ बर्तन भी पड़े हुए थे, मैंने बर्तन धुल लिए हैं। और थोड़ा सा दाल के बड़े रखे हुए थे, दही बड़े, मैंने सोचा बच्चों को भी दे देती हूँ। और सब लोग, हम लोगों ने खा लिए थे। अब हम लोग जा रहे हैं तैयार होके बेटी की ससुराल। देखिए बाहर का नज़ारा कैसा है हमारे घर के पास का। हम लोग निकल पड़े हैं बेटी की ससुराल के लिए। कुछ 10-15 किलोमीटर की दूरी पे होगा। मैं बेटी की ससुराल दूसरी बार जा रही हूँ, क्योंकि मैं शादी के पहले ही गई थी एक बार, उसके बाद मैं नहीं जा पाई थी। और दीदी बहुत बुलाती हैं हमेशा, लेकिन मैं जा नहीं पाती हूँ। मैंने सोचा इस बार होली पे ज़रूर जाऊँगी उनके वहाँ, बहुत अच्छे लोग हैं वो। मैं अपनी वीडियो शूट कर रही हूँ और बेटी अपनी नानी से बातें कर रही थी। मम्मी भी हमारे साथ गई थी। देखिए हम लोग वहाँ पहुँच गए हैं। देखिए दीदी ने कितना नाश्ता लगा दिया है। मेरी बेटी के ससुराल वाले बहुत अच्छे लोग हैं, लगता ही नहीं है कि बेटी की ससुराल है। मुझे तो अपने रिश्तेदारी का घर लगता है, लगता है अपने अच्छा लगता है। तो गंदा आ रहा है वीडियो आपके में। अच्छी बात नहीं है। तो थोड़ा सा डाल दें फिर। ये गैस जलने लग जाती है, इसीलिए वो जो है उसमें खड़े हैं वो मम्मी। जलने का मतलब आग लग जाती है। दोनों जलती है तो ये गैस खराब है। सही करवा लो। तो जब तक बेटी नाश्ता तैयार कर रही है, मैं ऊपर चली गई थी दीदी के पास। वो ऊपर कुछ कर रही थी, मैंने सोचा ऊपर से गांव का नज़ारा दिखलाती हूँ आप लोगों को। बहुत अच्छा नज़ारा है गांव का, बड़ा शांत वातावरण है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिख रही है। ऐसा नज़ारा मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि शहरों में तो ऐसा देखने को नहीं मिलता है। बेटी की ससुराल गांव की है, लेकिन बेटी और दामाद दोनों बाहर रहते हैं, क्योंकि दोनों जॉब करते हैं। बहुत कम ही वो आ पाते हैं घर पे। इधर तो हम लोग उस समय बन रहा था, तो यहाँ पे तो किचन का पत्थर उत्थर डलवा रहे थे यहाँ पहले तो भाई, लेकिन यहाँ कोई खाना खाना आया हो
हाँ अलग पड़ जाता ना ऊपर, नीचे यहाँ बनाओ भी खाना तो कम से कम लेके जाओ नीचे है तो नीचे लेके। हाँ ये अच्छा किचन टाइप का बनवाया था यहाँ पर है ना, बना लो किचन है जैसे। हाँ थोड़े दिन खाना बना ली, गेटो लगा दिया जा रही हूँ निकल ही। हाँ तो ऊपर अलग पड़ जाता है, या तो कमरा हमारा ऊपर बना हो तो कम से कम खाना है। लैट्रिन बाथरूम ऊपर ही बनी है ना। हम लोगों ने नाश्ता वगैरह कर लिया था, अब निकलने की तैयारी में थे, लेकिन दीदी ने बहुत व्यवस्था करके रखी हुई थी खाने के लिए। वो कह रही थी कि खाना खा के जाओ आप लोग, लेकिन हम लोगों को बिल्कुल भी भूख नहीं थी क्योंकि बहुत नाश्ता उन्होंने करा दिया था। तो बेटी ने कहा कि पनीर मंगाया हुआ था दीदी ने सब्जी के लिए, तो बेटी ने कहा चलो पकौड़ी बना लेते हैं पनीर की, क्योंकि मम्मी भी दुखी हो रही थी उनकी, इसलिए बेटी ने पकौड़ी बना ली थी थोड़ी सी। डाल देते कभी कभी कुछ बनाते हैं इस टाइप का। यहाँ पे लाइट वैसे यहाँ पर बल्ब एक लगा हो कैसे कस्तूरी में थी, इसमें नहीं अच्छी लगेगी ना, इसमें नहीं अच्छा लगेगा पनीर में, स्वाद ही नहीं अच्छा आएगा इसका। बस जो है थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मत डालना तो खट्टा हो जाए, बिल्कुल खट्टा होता है ना, नमक होता है इसमें है। कढ़ाई से लगता है गिर न जाए कहीं, क्योंकि नहीं मुझे बहुत है। हाँ पनीर के पकोड़े भी तैयार हो गए हैं। गंदा वीडियो आ रहा है, पकौड़े भी खाए हुए। चलो वीडियो बनाए सबकी, रात की वीडियो अरे बना दे रहे आपके लिए, तुम बस यह बनाए रहो। ठीक है उनको बना दे ये जगह हर क्लिपिंग में बोलेंगे यही बात, वो बात जरूर इनकी आएगी। आवाज हटाई देना सब पीलू पीलू बाय आलू आए उनको नहीं जानता है। मत बोलना मैं काट लेता है, ये जानता है गाड़ी हमारी जो दूर से आवाज सुनाई देगी तुरंत वहाँ पहुँच जाएगी। इनको लिया जाओ वहीं रहे जाके अच्छी बात क्या नहीं, हम खाना वहीं खाएंगे। आप आइए ठीक है शादी हो जाए तो घर की समस्या का शादी कर ले दोनों लोग अपने साथ साथ कुछ नहीं कोई समाधान है। अरे हम बना दे रहे हैं आपके लिए। वापसी में हम लोग एक जगह और चले गए थे क्योंकि वो भी हमारे रिश्तेदार हैं, मैंने सोचा जब इधर से निकल ही रहे तो उनके वहाँ भी हो लेते हैं, वैसे तो आना हो नहीं पाता है। वो कस्टमर वहीं पे बैठे हुए थे और बातचीत कर रहे थे, फिर वहाँ पे भी हम लोगों ने चाय नाश्ता किया, बहुत मना करने के बाद भी क्योंकि होली का समय है और कभी कभी जाना आना ही होता है। जब से हम लोग गए थे पानी नहीं पिया लगा, और पानी पीते पीते भी उछला रहे हैं नॉडी। हटो हटो तो दे रुक जा पीछे तो हटो, बहुत तेज भूख लगी है। घूमने गए तो नहीं पता था कि भूख लगी है, बुलाने गए तो आ नहीं रहे थे वहां से है। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।